और निरंतर इसी तरह की सेवाएं देते रहें, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और लोगों का भरोसा और जीते। इस मौके पर भाभी जी श्रीमती सत्यवती जी जो उनके साथ लगातार कठिन समय और कठिन संघर्षमय जीवन के अंदर उन्होंने सहयोग किया, एक लंबी यात्रा की जिससे कलराज जी को उस संघर्ष में जीवन में सफलता प्राप्त करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, अतिथिगण, आज हम सबको बहुत खुशी है कि महामहिम के जन्मदिन पर उनके जीवन का संक्षिप्त सार निमित्त मात्र हूं मैं कॉफी टेबल का विमोचन हो रहा है, क्योंकि एक छोटी किताब में उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तित्व को शब्दों में नहीं लिख सकता, लिखा जा सकता। उनका एक विराट व्यक्तित्व है। बाल्यकाल से ही संघर्ष में स्कूली शिक्षा से संघर्ष किया, कॉलेज में पढ़ते समय संघर्ष किया, लेकिन मन में थी देश की सेवा करने के लिए और इसीलिए उनका मन का विचार था कि मुझे प्राध्यापक या प्रोफेसर बनकर नहीं, एक राष्ट्रवादी विचार के साथ मैं देश की सेवा करूं। और उसी राष्ट्रवादी विचार संघ के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा। उनके लंबे जीवन के अंदर एक लंबी संघर्ष की यात्रा भी है। जब मैं उत्तर प्रदेश जाता था तो मुझे मेरे युवा मोर्चा के मित्र बताते थे कि कलराज मिश्र जी ऐसे नेता हैं जो सबके प्रिय हैं और सब लोग अपना मानते हैं, ऐसा प्यार और स्नेह उत्तर प्रदेश की जनता से था। और उत्तर प्रदेश इतना प्रदेश होने के बाद भी कोई जनपद नहीं, कोई गांव नहीं जहां महामहिम की लोकप्रियता नहीं हो, और इसीलिए इतने लंबे समय सामाजिक राजनीति जीवन में महामहिम ही ऐसे व्यक्तित्व होंगे जिनको चारों सदनों का सदस्य बनने का मौका मिला। राजनीति में कभी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का मौका मिलता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी उनको चारों सदनों का अनुभव निश्चित रूप से राज्य की सेवा में आज काम आ रहा है। सही कहा सीपी जोशी साहब ने कि उनका अटूट विश्वास लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक मूल्यों में है, क्योंकि जो व्यक्तित्व चार सदनों का सदस्य रहा हो, राज्य के मंत्री के रूप में काम किया हो, केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया हो, आज संविधान की रक्षा के रूप में महामहिम राज्यपाल के रूप में काम कर,
ऐसे व्यक्तित्व का लोकतंत्र के प्रति, जनतंत्र के प्रति अटूट विश्वास होता है। वो जिस पद पर भी रहे, जिस दायित्व पर भी रहे, उनकी कोशिश होती है, प्रयास होता है कि मेरे प्रयासों से किस तरीके से जनता का कल्याण हो सकता है। और इसीलिए मैं निमित्तवाद हूं। ये मानकर सेवा करने का संकल्प और विचार उनके व्यक्तित्व में आज भी झलकता है। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से काफी निकटता रही है। 2014 के अंदर आप मंत्री थे, तब भी आपके कार्य को मैंने देखा है। जिस विभाग के मंत्री थे, इस विभाग में नवाचार होना चाहिए, देश में उद्योग इंडस्ट्री से सेक्टर के माध्यम से हम कैसे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कैसे देश को प्रगति की खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं, इस दिशा में आपने काम किया। वहीं दूसरी दिशा आपकी थी कि किस तरीके से गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति को वहां रोजगार मिले और खादी का काम करने के लिए रोजगार मिले। उन्होंने गांव गांव में चरखा लगाकर लोगों को रोजगार देने का काम किया। खादी का बढ़ावा हो, खादी वर्तमान के अंदर भी लोगों को पहनने की इच्छा हो, चाहत बने, केवल कपड़े नहीं, खादी के विभिन्न उत्पादकों को उन्होंने विस्तार करने का काम किया। और उनके ही प्रयास हैं कि आज खादी के माध्यम से देश के हर गांव ढाणी के अंदर लोगों को छोटे लघु कुटीर उद्योग के रूप में काम मिला है। यह आज की आवश्यकता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सही कहा था कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है। जब तक हम गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति को रोजगार नहीं देंगे, जब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता। और इतने सालों बाद भी हमें फिर से महात्मा गांधी के विचारों पर लौटना पड़ा। ये बात सही है कि इंडस्ट्री सेक्टर में नए नवाचार हुए, आधुनिकता आई, नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन अगर भारत को के आर्थिक तंत्र को मजबूत रखना है तो हमें निश्चित रूप से गांव के अंदर भी रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है। और रोजगार सृजन करने का सबसे बड़ा माध्यम खादी हो सकता है, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने लगातार गांव में रोजगार सृजन और खादी के माध्यम से हो, इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई और हर गांव में चरखा लगाकर वहां पर खादी का उत्पादन हो, इसके लिए उनके नवाचार प्रयास इस मंत्रालय हमेशा याद रखेंगे। आज राजस्थान की धरती पे महामहिम राज्यपाल के रूप में आप संपूर्ण राजस्थान के संवैधानिक दायित्व के रूप में पालक के रूप में, और इसीलिए कोविड महामारी के समय जब राजस्थान की जनता संकट में थी, हम सबके लिए बड़ी चुनौती थी कि कोविड महामारी का कैसे मुकाबला किया जाए। आपका प्रयास भी उस समय सरकार के साथ भी, केंद्र सरकार के साथ भी, एक सामझन्य के रूप में
राज्य की जनता की बातों को, राज्य की जनता की कठिनाइयों को समय समय पर आपने केंद्र में भी अवगत कराते रहे और राज्य सरकार को भी अवगत कराते रहे। यही काम महामहिम राज्यपाल महोदय का होता है और रोजाना हर क्षेत्र की जनता से फीडबैक लेना, उसके आधार पर इस आपदा चुनौतियों के मुकाबले में आपका कार्य सराहनीय रहा और हमने आज इस कोविड महामारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। मुझे आशा है आपका लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि जब किसी की जीवनी को पढ़ते हैं तो नौजवानों को नई प्रेरणा मिलती है। इसीलिए महापुरुषों की जीवनी आने वाले देश का नौजवान पढ़े, यह हम सबका दायित्व बनता है। इसीलिए उन्होंने सारे विश्वविद्यालयों के अंदर संविधान पार्क बनाने का काम शुरू किया है। विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को नई तकनीकी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी की शिक्षा मिले, लेकिन हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की जानकारी भी मिले। विशेष रूप से राजस्थान की संस्कृति एक वैभवशाली संस्कृति रही है, हमारी समृद्ध परंपराएं रही और आज भी राजस्थान का वैभव और शौर्य दुनिया के अंदर माना जाता है। इसके लिए भी आपके प्रयास सराहनीय है। निश्चित रूप से आपके प्रयासों से राज्य की जनता का कल्याण होगा और आपका निरंतर प्रयास संपूर्ण जीवन जिस बात के लिए समर्पित है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, राज्य की जनता सुखद हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, इसके लिए प्रयास आपके हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे और आपके जन्मदिन पर हम इस पुस्तक के माध्यम से हमें भी नई प्रेरणा मिलेगी कि हर सामाजिक राजनीति जीवन में काम करने वाला व्यक्ति कितना भी विराट संघर्ष हो, उस संघर्ष में भी धैर्य रखकर आगे चलता रहे तो सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष रूप से महामहिम राज्यपाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संवैधानिक परंपराओं की परंपरा जो है, संवैधानिक परंपराएं स्थापित करने में